इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के तिलक नगर में रहने वाले एक युवक ने सुसाइड कर लिया। उसके कमरे में फटे हुए नोट भी मिले हैं। पिता का आरोप है कि कुछ दोस्त उसे परेशान कर रहे थे। सोमवार शाम ही वह महेश्वर से वापस आया। पुलिस के मुताबिक माता पिता के बयान के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। तिलक नगर पुलिस के मुताबिक दीपक पुत्र अमृतलाल गोस्वामी निवासी पिपलियाहाना ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। रात में जब दीपक की मां घर लौटी तो उसने अपने बेटे को फंदे पर लटके हुए देखा। इसके बाद पति अमृतलाल को कॉल कर जानकारी दी। रात में परिवार के लोग उसे लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचे। यहां उसे डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया। दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 2 बहनें हैं और उनकी शादी हो चुकी है। दीपक ट्रेवल्स की गाड़ियाँ चलाता है। पिता के मुताबिक उसने जहाँ सुसाइड किया वहाँ कुछ नोट फटे हुए पड़े थे। संभवतः किसी से मोबाइल पर बात होने के बाद उसने ये कदम उठा लिया। पिता ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से 3-4 दोस्त घर आते और उसकी बाइक पर उसे बैठा कर ले जाते। वो दीपक से संभवतः रुपयों की मांग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक पिता से दोस्तों की जानकारी ली गई। वहीं दीपक का मोबाइल जब्त कर उसकी भी जांच की जाएगी। घटना के समय माता पिता दोनों ही घर पर नहीं थे। वो जिस ट्रेवल्स पर काम करता है वहाँ भी पूछताछ की जाएगी। ये साहब लड़के को किसी ने जान से मारने की धमकी दे रहे थे और मैं गाड़ी चलाता हूँ, बाहर रहता हूँ, और उसको ऐसा मार के और क्या मालूम फांसी जैसा लटका दिया। और जब हम घर पे मिसेस गई तो धड़कन चल रही थी उसकी थोड़ी थोड़ी, तो हम वहाँ से रात को लेके भागे और यहाँ अस्पताल लाए। यहाँ ने चेक वेक करा, 2-3 बार मशीनें लगाई, फिर बोले बताते बताते एंड में जाके बताने लगे कि भैया भैया तो उन लोग हैं जिनने मारपीट करी। अब ये उसके साथ 4-5 चीज़ें उसके दोस्त रहते हैं, वो क्या डराते धमके दादागिरी करते हैं और रोज उस लड़के को परेशान करते हैं। कारण क्या रहता है मतलब मारपीट करने का, दबाव बनाने का? कारण कारण ये है कि अब ये साथ में खाते पीते होंगे या रहते होंगे तो इससे क्या है 500 रुपये उधार ले लेते हैं और 2-2 हज़ार रुपये वसूल करते हैं इससे। वो सही बात बताते नहीं हैं। और ये अगर पैसा कौड़ी देने में या कोई आगे पीछे होता है तो इसके साथ मारा कुटी करने की धमकियां देते हैं। युवक के पास से 500 और 100 के नोट भी फटे हुए मिले, ऐसी भी कुछ बात सामने ही? हाँ, 500 का नोट फटे और 100 के भी नोट फटे मिले वहाँ घर के सामने। रात में तो हम देख नहीं पाए पर जब दूसरे पब्लिक लोग आए जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने बताया ये बात, और मोबाइल भी उसके पास नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब उन लोगों क्या हत्या करी गई उन लोगों ने? हाँ, मेरे को तो ये लगता है सर। दोस्तों के साथ घूमने भी गए थे ये? हाँ, दोस्तों के साथ घूमने गया था ये। कहाँ गए थे ये? वही यहीं काकड़ पे ही आजू बाजू। अभी ये तो मेरे को मालूम नहीं, मैं पीतमपुर गया था गाड़ी लेके और मैं रात को 10:30 बजे करीब आया। क्या काम करता है आपका बेटा? वो भी जो है ट्रेवल्स की गाड़ी चलाता है। क्या नाम है? दीपक गिरी गोस्वामी। अच्छा, कितनी उम्र होगी? 20 साल। रहने वाला कहाँ का है? रहने वाले तो हम राजगढ़ जिले के, पर मेरे को 50 साल ये इंदौर में हो गए। हमारे मकान वगैरह तो कभी बताया नहीं कि मतलब दोस्तों इस प्रकार की हरकत करते हैं? हजार सर, पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसको चाकू वाकू मारा कुटी कर लिया था। हमने खूब रिपोर्टें करी और रिपोर्टें भी खूब लिखवाई और ये क्या बोलते हैं वीडियो वगैरह जो भी करवा के करा, पर कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कोई सलाम नहीं करा साहब। पुलिस थाना तिलक नगर में मार्ग नंबर 4/2/2024 का एक कायम हुआ है, जिनके मृतक का नाम है दीपक पिता अमृतलाल गिरी, उम्र 18 वर्ष, निवासी पिपलियाला काकड़, जांच है मुझे प्राप्त हुआ है। क्या घटना हुआ? क्या घटना? फांसी लगाने से, प्रथम दृष्टया फांसी लगाने से सूचना आई, इसके बाद जांच में। अच्छा, युवक के पास से कोई सुसाइड नोट मिला? अभी संबंध में कोई जानकारी नहीं है। क्या काम करता था मृतक? ये अभी इस संबंध में कोई जानकारी जांच के उपरांत ही बताया। परिजनों से पूछताछ में क्या बात सामने आई? अभी कुछ भी नहीं है, अभी जाँच प्रारंभ की जा रही है। मृतक के पास से कुछ 500 और 100 के नोट भी मिले फटे हुए जी? मृतक के पास से 500 के और 100 के नोट फटे हुए मिले, ऐसी कुछ बात सामने ही? जो मिले होंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जब्त किया जाएगा। जा